हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की रेसिपी जो हमारी है वो है कीमा आलू की। तो यहाँ पे आपको ऑयल में छोटी इलायची और तेजपत्ती की पत्ती ऐड करनी है। उसके बाद प्याज मैंने तीन बड़ी साइज के ऐड किए हैं बारीक कटी हुई। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हमको फ्राई कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे किचन से रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन आपको फटाफट से पहुंच जाएगी एंड वीडियो को लाइक कर दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज हमको इतना ही फ्राई करना है, ज्यादा लंग नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कीमा आलू अच्छे से वॉश करके रखा था। तो कीमा आलू को हमको यहाँ प्याज में ऐड कर देना है। प्याज में ऐड करने के बाद आप कीमा आलू को अच्छे से चला लें, जिससे प्याज कीमा आलू अच्छे तरह से सारे मिल जाए। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार ही ऐड करें। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लें, क्योंकि कीमा जो है ना वो वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो कीमा हमारा वो पानी छोड़ता है। तो यहाँ पे इसको धीमे धीमे आज पे इसको अच्छे से जितने भी पानी है उसको अच्छे से सुखा लेना, अच्छे से भूज लेना है। यहाँ पे हमने पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन हरी मिर्च और सूखा जीरा मिर्च का। तो यहाँ पे हमको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लें, अच्छे से सारे मसाले सारे कीमा आलू सारे मसाले में अच्छे से चला के इसको आपको यहाँ पे ढक्कन लगा देनी है। कि आप 6 से 7 मिनट बाद ढक्कन खोलेंगे तो देखेंगे कीमा पूरा पानी वापस रिलीज कर देता है। तो इसको अच्छे से भूजना है हमको। तो धीमी आंच पे इसको भूजने, अच्छे से भूजने के बाद यहाँ हम रेगुलर जो हमारा रेगुलर मसाला होता है वो मसाला हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, यहाँ पे 2 बड़ी साइज के टमाटर काट के रखे थे तो यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लें। अब इसका सालन आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो इसको जितना भी आपको सालन चाहिए यहाँ पे पानी अपने हिसाब से और अपने कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से धीमे धीमे आंच पे पका लो। यहाँ फाइनली हमारा कीमा आलू बिल्कुल ही रेडी है। बहुत यम है और बहुत इजी रेसिपी है। आप लोग ट्राई करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, प्लीज वीडियोस को लाइक कर दें। हमेशा एक दूसरे की सहायता करना ही एक अच्छे इंसान और एक इंसानियत की पहचान होती है।